करोड़पति विदेशी प्रेमिका अब झारखंड के मोहम्मद सादाब संग रहने को तैयार। इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार तो पोलैंड के बेटी संग भारत आ गई गौरी मैम। पोलैंड की एक महिला इंस्टाग्राम पर झारखंड के एक युवक के साथ चैटिंग करते हुए उससे इस कदर मोहब्बत कर बैठी कि वह अपनी 6 साल की बेटी के साथ सात समुंदर पार करके उसके घर पहुंच गई है। महिला का नाम पोलाक बरबरा है, जो इन दिनों हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत खुटरा गांव में अपनी प्रेमी मोहम्मद सादाब के घर में रह रही है। बरबरा और सादाब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बरबरा का अपने पति से तलाक हो चुका है। वह चाहती है कि सादाब उससे शादी कर उसके साथ पोलैंड में सेटल हो जाए। बरबरा की उम्र 45 वर्ष है, उसका प्रेमी सादाब 35 साल का है। इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती 2021 में हुई थी। बरबरा को भारत की गर्मी ने इस कदर परेशान किया है कि शादाब को 2 AC लगवाने पड़े और वहीं घर में उनके मनोरंजन के लिए एक नया कलर TV भी लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ शादाब की प्रेमिका बरबरा उसके घर में घरेलू कामकाज में हाथ भी बटा रही है और तो और गाय का गोबर और कचरा भी साफ कर रही है। वह कहती है कि हिंदुस्तान उसे बेहद खूबसूरत देश लगता है। बरबरा ने कहा है कि वह अगले कुछ दिनों में अपने देश लौट जाएगी, वहां पोलैंड में नौकरी करती है। उनकी कोशिश होगी कि सादाब को पोलैंड का वीज़ा दिलवा सके। उनके पास घर गाड़ी सब कुछ है। Good vegetables, very good fruits, fantastic, very sweet. India, beautiful country, beautiful place, fantastic, fantastic. My feeling, India and my daughter is very good. Thank you so much. Now you are in Hazaribagh. Yes. So what do you feel in Hazaribagh? Hazaribagh, feeling very good. Czujemy się bardzo dobrze. Yes. Very good city and small city and very, very good, very nice. Yes, my daughter też very happy because it's very good pizza, fantastic, very tasty, vegetables, fruities, banana juice, bardzo lubi banana juice, fantastic. Thank you. And at last, what do you want to say about Shadab? Shadab? Okay, you want to say anything about Italy? Shadab is fantastic. Yes, very good heart. Very good heart. It is very important. Yes. Your heart is also very good. Oh, thank you. Thank you. Thank you so much. My feeling is just this, that I will live with her life and live with her life. Because if a person has anything, but love is not a big thing. It should be love. मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसका सपोर्ट करूँ, वो भी मेरा जिस तरह सपोर्ट कर रही है, मैं भी उसके लिए कुछ करूँ। मैं चाहता हूँ उसके लाइफ में मैं भी कुछ अच्छा करूँ। आप आए आपको बस ऐसे ही हम लोग एज अ फ्रेंडशिप, पहले दोस्ती हुई, उसके बाद कन्वर्सेशन हम लोग का कंटिन्यू रहा। फिर मैंने लाइव आता था तो देखती थी, जैसे मैं लाइव पर बैठता था उसको अच्छा नहीं लगता था, सोचता इतना मतलब बंदे के पास इतना टाइम कैसे है, हर दिन सिर्फ इंस्टाग्राम और लाइव रहता है, मतलब कुछ करता है कि नहीं करता है। तो मुझे मतलब उस चीज़ में मुझे वहाँ से निकाली किसी तरह, बोलती है कि इतना टाइम उसमें मत दो, अगर इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो इससे अच्छा तुम कुछ करो, उसमें तुम्हारा बेनिफिट होगा, मतलब जैसे अपना पढ़ाई करो या कुछ ऐसा काम करो। तो उसने मुझे बहुत ही गाइड की है, हर तरह का सपोर्ट की है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक लाया है और मैं यहाँ लेके आया उसको हजारीबाग दिखाने के लिए। और बेहद उसको हजारीबाग पसंद है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों के मतलब गाँव में वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा भीड़ उड़ लगाते तो उससे उसको दिक्कत होती है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई दिक्कत ना दे उसे, जिस तरह वो घूमने आई है वो यहाँ से घूम के फिर अपने देश चली जाए वापस। बेटी का नाम आनिया पोलाक है और मेरी जो वाइफ है, मैं वाइफ ही बोलूँगा, मैं उसे वाइफ जैसा प्यार करता हूँ, तो उसका नाम बरबरा पोलाक है। तो ये जो है मतलब ये आप लोग बहुत जल्द यानी वाइफ बोल रहे हैं, तो बहुत जल्द वैवाहिक बंधन में बंधने। मैं चाहता हूँ कि जल्दी हो और मैं उसके साथ रहूँ, मैं उसके साथ रह पाऊँ। और उनका कोऑपरेशन आपके प्रति कैसा रहा है अब तक? बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा, अब उसकी तो बात ही नहीं करना है। जो भी मैं अगर मैं कपड़े जूते भी पहनता हूँ तो सब उसकी बदौलत है, अगर कहा जाए तो हर चीज़ का सपोर्ट करती है, मेरे एजुकेशन से लेके हर तरह का, जिस चीज़ का अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उससे बताता हूँ, तो मुझे बिल्कुल बेझिझक सपोर्ट करती है। तो अब आपकी जो इच्छा है कि आगे क्या करने का, विदेश में साथ में जाने का या फिर
इनको इंडिया में ला करके रहना। एक्चुअली मैं मुंबई में जॉब करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं कोई भी जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाके मैं कुछ काम करूँ और मैं कोई अच्छा करूँ। अपना नाम बता दो। मेरा नाम सदाब मलिक है।